हम आज एक ऐसे शायर की किताब के लोकार्पण समारोह में इकट्ठे हुए हैं कि जिन्होंने ऐसी चीज़ें लिखीं जिससे अदब यानी साहित्य तो समृद्ध होता ही है, दिलों में रोशनी की एक लकीर नज़र आती है, जिन शब्दों के आलोक में आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता तय कर सकते हैं। निदा साहब ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखीं जिन्हें शाश्वत कहते हैं कि कई सालों बाद जिनके अर्थ ज्यों के त्यों वैसे ही महत्वपूर्ण बने रहते हैं। जब मैं 30 साल पहले इस शहर में आया और निदा साहब के साथ मंच पे जाता था तो वो शुरुआत में 4 लाइनें पढ़ते थे जिसमें एक बहुत अच्छा मशवरा है। आज जो नई पीढ़ी के लोग यहाँ इकट्ठे हैं वो ये समझ सकते हैं कि उसमें जो मीनिंग है आपके कितने काम का है। वह सुनाते थे कि बात कम कीजिए जहानत को छुपाते रहिए, बात कम कीजिए जहानत को छुपाते रहिए, अजनबी शहर है ये दोस्त बनाते रहिए, अजनबी शहर है ये दोस्त बनाते रहिए, और दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो निदा साहब ऐसे इंसान थे कि ऐसी चीज़ें लिख गए हैं जो हर काल में हर समय आपके लिए एक व्यवहारिक चीज़ के रूप में उपस्थित रहेगी। जो उनका 70 के दशक में पहली किताब आई थी लफ्ज़ों का पुल, अपनी पहली किताब के ज़रिए ही वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में स्थापित हो गए थे। आगे चल के उनकी गद्य की किताब आई मुलाकातें, जिससे वे बहुत मशहूर हुए और उनमें एक क्या बोलते हैं कि तंज का भी बहुत अच्छी समझ थी। तो कभी कभी ऐसी बातें लिख देते थे कि जिनकी चर्चा बहुत दूर तक होती थी। जैसे कई भी आदमी साहब वो कार्ड होल्डर थे वामपंथ के, मतलब कम्युनिस्ट थे, तो उनसे निदा फाजली साहब ने एक बातचीत की, इंटरव्यू किया और लिख दिया कि कैफी साहब के घर का जो नौकर है वो बहुत दुबला पतला है लेकिन उनका बिल्ला बहुत मोटा है। तो इसमें एक संकेत निहित है कि नौकर को कम खाना मिलता होगा। तो इस तरह का जो है वो मजाक कर जाते थे जिनकी बहुत दूर तक गूंज होती थी। तो 1999 में खोया हुआ सा कुछ उनका काव्य संग्रह है जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, और 2013 में उनको पद्मश्री सम्मान दिया भारत सरकार ने। तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ उनमें फन और हुनर था ज़माने ने समाज ने वक्त वक्त पर उसका सम्मान दिया। और हमारे साथ बैठे हुए हैं इधर पहली कतार में अरुण माहेश्वरी जी, जो आज हमारे देश का सबसे बड़े प्रकाशनों में से एक है वाणी प्रकाशन। तो निदा साहब का जो 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए उनको एक साथ करके मतलब जिसको आप बोलते हैं समग्र कविताएं, समग्र रचनाएं छापने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया, उस किताब का नाम है शहर में गांव। तो महेश्वरी जी इसके लिए आपको आप बहुत बहुत बधाई कि निदा साहब को एक साथ आपने कर दिया। और उसके बाद निदा साहब लगातार लिखते रहे, उन्होंने कुछ टिप्पणियां लिखी, कुछ किताबों की भूमिकाएं लिखी और जो है कुछ संस्मरण लिखे जिनमें हिंदुस्तान पाकिस्तान और बाहर के मुल्कों के लोग भी शामिल हैं, और उन चीज़ों की एक किताब बड़ी खूबसूरत संपादित की मालती जोशी जी ने, रोशनी के फूल। आज हम लोग इस किताब के लोकार्पण समारोह में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ अरुण माहेश्वरी जी को कि आप सबके प्रति अपनी भावनाओं का इजहार करें, स्वागत वक्तव्य दें। आइए अरुण जी। धन्यवाद पांडे जी। यहाँ उपस्थित सभी मित्रों, आपका यहाँ आप इस सभा में आए आपका बहुत बहुत सबका स्वागत है।
निदा जी की स्मृतियों के साथ यदि मैं गुजरता हूँ तो 1996 में उनकी मैंने पहली पुस्तक छापी, खोया हुआ सा कुछ, जिसको 1998 में साहित्य अकादमी से अवार्ड मिला। उस समय दरअसल हुआ ये था कि मेरे प्रकाशन की दो किताबों को एक साथ अवार्ड मिला था, जो कि हिंदी में, जो कि मेरे ख्याल अभी तक प्रकाशन की दुनिया में पहली बार ही हुआ है, उर्दू में निदा फाजली और हिंदी में अरुण कमल की किताब को। दरअसल मेरे पास 3 पांडुलिपियाँ उपलब्ध थीं उस समय जब मैंने उर्दू शायरी प्रकाशित करना शुरू किया था, कैफ़ी आज़मी की सरमाया, निदा फाजली जी का खोया हुआ सा कुछ और बशीर बद्र का उजाले अपनी यादों के। दरअसल मेरा शायरी से कोई तारुक नहीं था उस समय तक, मैंने कोई किताबें नहीं छापी थी, बहुत थोड़ी बहुत कुछ छपी थी। लेकिन जब ये उस समय आपको याद होगा 1996 में फैक्स मशीन चलती थी, ईमेल कम चलते थे, तो हमारे यहाँ फैक्स मशीन थी, 18 रुपये की किताब हमने खोया हुआ सा कुछ छापी थी, तो हर शाम हम फैक्स मशीन खोल के जाते थे, सुबह तक हमें 3-4 उसमें से ऑर्डर लोगों के मिलते थे। उसमें से खोया हुआ कुछ किताब काफ़ी लोकप्रिय हुई, प्रगतिशील शायरी, हिंदी को एक शायरी का नया अंदाज़ देने वाली किताब थी। और ये इस तरह से इस किताब के साथ और फाजली साहब के साथ 1996 में मेरा पहला परिचय हुआ। उसके बाद फिर किताबें छपती चली गईं और दीवारों के बीच दीवारों के पार उनकी आत्मकथा छपी, शहर में गाँव, और फिर ये किताब अब मालती जी ने प्रकाशन के लिए दी और इसे प्रकाशित करवाई। सच में बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसमें इस किताब के एक पात्र हरि मृदुल जी यही हैं, उन पर एक लेख भी है उसमें, और बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें लेख प्रकाशित। मैं जब पढ़ रहा था तो इसके पढ़ने का एक अलग अंदाज़ है, इसको पढ़िए तो आप गद्य का सलीका सीखते हैं, लिखने का और बात को कहने का अंदाज भी सीखते हैं। ये ऐसी किताब है। दरअसल जब मैंने दिल्ली में साहित्य अकादमी में जब हिंदी उर्दू का अवार्ड मिला तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम करें जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों के साहित्यकारों को इकट्ठा किया जाए, क्योंकि एक साथ अवार्ड हुआ ही था। तो कार्यक्रम किया तो ये हुआ कि कुछ मेजें लगवाई गईं और पार्टी हुई, सब हुआ। तो हमने देखा कि उर्दू के साहित्यकार एक तरफ और हिंदी के साहित्यकार एक तरफ बैठ गए। हमने कहा ये तो हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद था कि सब लोग आपस में अदीब लोग हैं, बातें करें, एक दूसरे से एक्सचेंज करें। तो मैंने निदा साहब से धीरे से कहा, मगर साहब ये क्या हो रहा है, सब अपने अपने गुटों में फिर बैठ गए हैं। तो बोले करो फिर ऐसा, मेज़ें उठवा दो, जो उठता जाए कुर्सी उठवा दो। तो सब लोग फिर निदा साहब उस समय प्रगतिशील शायरी के अगवा कहे गए और उनकी पहचान वही रही है। 2013 में पद्मश्री अवार्ड मिला और 78 वर्ष की आयु में उनके स्वर्गवास हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे। एक अखबार की हेडिंग थी उनके जाने पर कि राधा कृष्ण की जुदाई के वियोग में शायर बने या सूरदास की पंक्तियों से शायर बने। एक अखबार में लिखा हुआ था कि कोई दोस्त थी जिसकी मृत्यु हो गई तो उससे शायर बने। दरअसल जब मैं देखता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में जिक्र आता है कि वियोगी जब वो क्रौंचवध को उन्होंने देखा और उसके बाद कविता उपज गई, मुझे नहीं लगता कि कविता ऐसे ही उपज गई, क्योंकि वाल्मीकि तो खुद जंगल में रहने वाले थे, पशु पक्षियों को मारना, देखना, मरते हुए देखना, ये सब तो एक जीवन का अंग था। लेकिन वहाँ एक कथा और है कि जब सीता गर्भवती थी और लक्ष्मण उसको छोड़ने आए, असल में ऊहापोह वो था उनके मन में जो कविता के रूप में निकला उस क्रौंचवध को देखकर। तो निदा जी की जो शायरी में जब उनकी हम पढ़ते हैं, तुम्हारी कब्र पर मैं फातहा पढ़ने नहीं आया, ये कविताएं, ये शब्द ऐसे ही नहीं निकलते, ये निकलते हैं जब उसके पीछे एक बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तब वो कवि को आगे लाने के लिए प्रेरित करता है वो कविताएं। तो मुझे लगा कि ये शब्द सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो हो सकता है कि इनके पीछे भी एक वही उस तरह का ही अंदाज रहा हो। निदा साहब के साथ बहुत सारी व्यक्तिगत यादें भी हैं। वो आते थे, हम और राजकिशोर जी, हम सब लोग जानते होंगे, यहाँ दिल्ली से हम लोग आते थे और वहाँ नरीमन पॉइंट पे ठहरते थे कि चलिए वहाँ, क्योंकि अखबार वालों का सबका समूह था ना, सब आते थे मिलने के लिए वहाँ पर। तो एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ निदा साहब ने एक शायर कोई बुलाए, मुझे याद नहीं है उनका नाम, कि ये बहुत बढ़िया शायरी कहता है, इसकी शायरी सुनो। मैं कहा सुनाओ भाई, तो वो कुछ कहने लगे, गाल बाल और ये सब। मैं कहा भाई देखो ऐसा नहीं, कुछ प्रगतिशील चीज़ सुनाओ तो हमें। निदा भी बोले हाँ सुनाओ भाई सुनाओ। तो वो नहीं सुना पाए बाई चांस, तो वो अचानक बोले मैं आ रहा हूँ, और कह के गायब हो गए।
तो नीता बड़े परेशान हुए कि यार वो कहाँ चला गया होगा, डिप्रेशन हो जाएगा ये। तो हम लोग गए फिर वहाँ चर्च गेट के स्टेशन पे ढूंढा उन्हें, कहीं वो बैठ गए थे जाके, एक सीट उठा के लाए, उन्हें खिलाया। तो इतनी संवेदनशीलता थी उनके लोगों के प्रति के, और बातों के लिए तो हम सब जानते ही हैं कि जब हम उनके साथ बैठते थे तो सभी लोग। बहरहाल ये पुस्तक आपके हाथों में आज होगी, आप इसे पढ़िए। ये गद्य को जानने का एक बहुत महत्वपूर्ण सलीका है, और इस पुस्तक का मैं तो बहुत स्वागत करता हूँ। और आज इस सभा में जो फनकार हैं, कुलदीप सिंह जी, घनश्याम वासवानी जी, अशोक खोसला जी, शिवानी वासवानी, आह्लाद काशीकर, इन सभी का स्वागत है कि सब आप आए और कुछ हमें, हम लोग यहाँ सुनेंगे। और हमारी इस सभा में देवमणि पांडे जी जो इस सभा का संचालन कर रहे हैं जी, अच्छा जसविंदर सिंह जी, मैं तो कुलदीप, अभी किसी ने मुझसे कहा कि कुलदीप सिंह, मुझे लगा कि जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आपका इस्तकबाल है, आप आएँ, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ठीक है, मेरा परिचय यहाँ लोगों से कम है जो मैंने देखा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप आए, आपका यहाँ स्वागत है। इस सभा का संचालन श्री देवमणि पांडे जी करेंगे। पांडे जी ने फिल्मों में गीत लेखन कर अपनी पारी आरंभ की, देश विदेश में प्रमुख पत्रिकाओं में कविता साक्षात्कार निबंध प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ कविता संग्रह, शायद चार कविता संग्रह, संस्मरणात्मक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मुंबई में सांध्य जनसंता साहित्य नामचा में लेख प्रकाशित हुए। लेखन की इस दुनिया में के अलावा देश भर के साहित्यिक आयोजनों के प्रमुख सूत्रधार संचालक बखूबी निभाते हैं। भाषा की मधुरता, अवध की भारी, अवध की माटी की सुगंध आपके संचालन में मिलती है। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हरी मृदुल जी हमारे बीच हैं। हरी मृदुल जी इसमें कार्यक्रम में तो हैं ही, लेकिन किताब में आपका वो है, एक सेकंड, मैंने लिखा था जी, हाँ आमची मुंबई जी, हाँ। हिंदी साहित्य की युवा दुनिया के प्रखर कवि हैं। कविता और लोकगीत की सुगंधित माटी के लेखक हरी मृदुल जी, बाबा नागार्जुन, श्री नीता फाजली जैसे दिग्गज कवि शायरों के सानिध्य में लेखन की पारी आरंभ की। हिंदी भाषा के साथ साथ कमाविनी भाषा में कविता, दोहे, बाल कथाएं, कहानी और सृजन किया। मुंबई में वे हैं तो जाहिर है फिल्म उद्योग से भी दखल रखते हैं। प्रगतिशील कवियों में रुचिवान लेखन करते हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अनेकों वरिष्ठ साहित्यकार पुरस्कार आपका, साहित्य और पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध कॉलम आमची मुंबई, अभी पिछली बार शायद आपने निदा साहब पर ही लिखा था, वो भी दिल्ली में हम लोगों को पढ़ने को मिला था। निदा फाड़कर साहब, वो प्रदीप फाड़कर साहब यहाँ आए हैं। किताब में समर्पण में भी आपका जिक्र है कि इस पुस्तक को तैयार कराने में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उन चीज़ों को एकत्रित करवाया। मराठी गज़लकार निफाड़कर जी, लेखन, गायन, संपादन, चित्रपट, गीत आदि लेखन व कलाओं के बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं। निदा साहब के अनन्य मित्र हैं। आपकी 9 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। सकाल, लोकमत, देवदूत पत्रिका में पत्रकारिता लेखन करते रहे हैं। आपका स्वागत है। और भी इस कार्यक्रम में जितने सब लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। इस किताब का विमोचन होगा और उसके बाद देवमणि जी के हक दो बागडोर, आइए। धन्यवाद दोस्तों, आज ऐसे लोगों को यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है जो निदा साहब के बहुत करीब रहे हैं, उनके ख़ास दोस्तों में रहे हैं। हरी मृदुल जी और निफाड़कर जी आ चुके हैं और हरीश पाठक थोड़ी देर में आ सकते हैं, शाहिद लतीफ़ हैं, रास्ते में हैं, आ रहे हैं, और भाई सुभाष काबरा आ गए हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि बैनर बन रहा था तो 2-3 नाम लिखने की जगह कम पड़ गई, तो यह हुआ कि देवमणि पांडे, सुभाष काबरा और जसविंदर सिंह को तो सब जानते हैं, इनका नाम क्या ज़रूरत है। जी तो देखिए,
निदा फाजली साहब कभी कभी ऐसा शेर कह जाते थे कि जिसमें बहुत गंभीर जीवन दर्शन होता था और लोग सोचना शुरू करते थे कि इन्होंने क्यों कहा होगा। जैसे उनका एक शेर है कि कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, कभी कभी यूं भी हमने अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। तो ऐसे जिसका पुरलुत्फ अंदाज था, निदा फाजली साहब को याद करने में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कुलदीप सिंह हमेशा उसी सीट पर दिखाई पड़ते हैं जिस सीट पर बैठे हैं, और आप जानते हैं कि हाँ, कुलदीप जी आइए, तुमको देखा तो ये ख्याल आया है ना, तो हाँ आप आइए। तो साथ साथ फिल्म में जो गाने दिए एज ए कंपोज़र कुलदीप सिंह ने, और पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिंग टोन जिसकी बनाई गई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, उसके संगीतकार कुलदीप सिंह आपके सामने हैं, तालियों से स्वागत करें। और इतने प्यारे प्यारे बच्चे लेके आपके सामने आए हैं, ये देखेंगे कि हमारी जो नई नस्ल है उसके फन में क्या जादू है। रे बापा मापानी बहिसा, प्यासी धरती पर फिर पानी दे मोरा, चिड़ियों को दाने बच्चों को, चिड़ियों को दाने बच्चों को, गुड़दानी दे मोरा, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मोरा। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी, सोच समझ वालों को थोड़ी, नादानी दे मौला, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मोरा। फिर रोशन कर जहर का प्याला, चमका नहीं सलीके, फिर रोशन कर जहर का प्यारा, चमका नहीं सलीबे, झूठों की दुनिया में सच को, झूठों की दुनिया में सच को, ताबानी दे मोरा, गरज बरस
प्यासी धरती पर फिर पानी दे माना। फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मूरत से बाहर आकर चारों ओर बिखर जा, फिर मंदिर को कोई वीरा, फिर मंदिर को कोई मीरा, दीवानी देखो ना, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मारा। कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की, जीने देखाना, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मारा। चिड़ियों को दाने बच्चों को, चिड़ियों को दाने बच्चों को, गुड़दानी प्यासी धरती पर फिर पानी दे माना। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे माना, फिर पानी दे माना, फिर पानी दे। अब एक हमद जो निदा साहब ने लिखी थी, नील गगन पर बैठे कब तक, चांद सितारों से झांकोगे, पर्वत की ऊंची चोटी से कब तक दुनिया को देखोगे, वो जिस तरह से लिखी गई है तो मैंने जैसे उसको समझा है, मैंने उसको ट्यून किया है। Yeah.
आप जो है ये जो किताब है रोशनी के फूल, हम लोग आप सबके सामने इस किताब का लोकार्पण करेंगे। और इसके लिए मैं जिन लोगों को बुला रहा हूँ उनसे ये निवेदन है कि मेरी तरह आपने जूते उतार कर मंच पे कृपया पधारें। शाहिद लतीफ़ साहब कृपया जूते उतार कर मंच पर पधारें। हरदी मृदुल जी, प्रदीप निफाटकर जी, मालती जोशी जी, सुभाष काबरा जी कृपया मंच पे आ जाएं। विभा रानी जी कहाँ पे हैं? आ जाइए। मशहूर कथाकार अभिनेत्री विभा रानी जी यहाँ आ जाइए। अनिल जोशी साहब, अनिल जी कहाँ पे हैं? अरे सामने ही अनिल जी, आइए, आपका स्वागत है। अनिल जी इस तरफ से आ जाइए, आप यहाँ से रास्ता है, इधर से। अमर जी गाइड कीजिए अनिल जी को। जी हाँ, अरुण जी आप साथ लेके आ जाइए। अच्छा किताब, देखिए ये जो किताब है रोशनी के फूल, मालती जी को बीच में लीजिए प्रदीप जी के साथ। हाँ मालती जी बीच आइए, मालती जी हाँ। और एक बहुत अच्छे सिंगर और शायर अख्तर आज़ाद साहब, आपसे गुजारिश है कि कृपया आप मंच पे तशरीफ़ लाएं। आएंगे अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ऐसा चंद्राकार जगह बना लीजिए मृदुल जी, के सब लोग आ जाएं। सब लोग में कौन है भाई? और दो लोग हैं सब लोग में, बीच में जाइए मालती जी, आइए अरुण जी, अख्तर आजाद साहब आ जाइए। और अख्तर आजाद साहब हमारे साथ हैं, इनको कोई नहीं काट सकता, पूरी दुनिया में नाम है, सब यही सोचेंगे कि इतने मशहूर सिंगर, इतने मशहूर शायर के साथ में सबका फ़ोटो होना चाहिए। हाँ और हाँ, ये एक जो किताब है रोशनी के फूल, इसका संकलन और संपादन मालती जोशी जी ने किया है। अब मेहमानों से निवेदन है कि अपनी जगह पर वापस बैठ जाएं। अनिल जोशी जी आपके बीच में जा रहे हैं, गुजराती के समझिए कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कवि हैं और निदा फाजली साहब के बहुत ख़ास दोस्तों में हैं। पहले इस शहर में, इस महानगर में बहुभाषी कवि सम्मेलन होते थे और उसमें कवि सम्मेलन में अनिल जोशी साहब, निदा फाजली साहब और दूसरे रचनाकार होते थे। अनिल जी आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आइए साहिद साहब बैठ लीजिए। देखिए
पुणे से पधारे हैं प्रदीप निफाटकर जी, जो खुद बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। तो निदा साहब जो आर्टिकल लिखते थे उसमें से बहुत सारे आर्टिकल का उन्होंने, प्रदीप जी ने मराठी में अनुवाद किया। बहुत अच्छी दोस्ती रही है। और इस किताब के लिए मालती जी जब लेखों का संग्रह कर रही थी, रचनाओं का, तो उसमें भी प्रदीप जी ने काफ़ी मदद की। तो मेरा निवेदन है कि प्रदीप जी इस किताब के बारे में और निदा भाजी साहब के बारे में अपनी भावनाओं का इजहार करें। आप तालियों से स्वागत करें प्रदीप निफाटकर। आदरणीय सब मेहमानों को खुशी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि निदा साहब के बारे में, उनकी किताब के बारे में मुझे कहने का, कुछ दो लफ्ज़ कहने का मौका मिला है। हमारी मालती भाभी जी ने मुझे आदेश किया, आदेश हुक्म था कि आपने बोलना चाहिए, इसलिए मैं आप सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। मैंने सोचा था कि मैं मराठी में, क्योंकि मेरी मादरी जबान मराठी है, तो मैं मराठी में बोलूं या हिंदी में बोलूं या उर्दू में बोलूं। हाँ, एक के बाद एक। लेकिन मेरे साथ मेरे काम आए निदा साहब। फिर भी उन्होंने इस किताब में लिखा है, वो मिसरे देखिए, माफ़ करना, सुतुर देखिए, वो मिसरों से कम नहीं है। हैदर अली आतिश ने बेगम लिखा तो किसी ने ये लफ्ज़, ये शब्द गलत इस्तेमाल हुआ कहा। बेगुम, बेगुम ऐसा तुर्की लफ्ज़ है और तुर्की में ये सही है, ऐसा किसी ने कहा उनको। तो आतिश जी ने जवाब दिया था, मैं अपने देश की भाषा में लिख रहा हूँ, मैं बेगम ही कहूँगा। निदा साहब आगे भी लिखते हैं कि मीरा ने भी यकीन लफ्ज़ को गुमान के अवज शक में इस्तेमाल किया है। मुरलिया काहे गुमान भरे, ये निदा जी ने लिखा। तो मैं भी अपनी भाषा में बात करूँगा। जो आपने कहा कि तीनों भाषा में, तीनों भाषा के अवज मैं हिंदुस्तानी भाषा में बात करूँगा। आगे निदा साहब क्या लिखते देखिए, कि वो कहते हैं कि जो सांस्कृतिक शुद्धता का राग आलापते हैं, वे अपने एक डेढ़ मीटर के गज से धरती का विस्तार नापते हैं। मैं कोई गायक नहीं हूँ या मौलवी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी जबान को आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इस किताब का एक मजमून है जिसमें यास यंगाना चंगेजी पर निदा साहब ने लिखा है। और निदा साहब कहते हैं कि 20वीं सदी में गज़ल विधा की बुलंदी का एक दौर समझा जाता है। इस दौर का आसमान के सितारों के नाम भी निदा साहब लिखते हैं। और आगे कहते हैं, अगर मुझे किसी एक नाम का चयन करना है, किसी ने मुझे मजबूर किया, तो मैं एक ही नाम लूँगा, यास यगाना चंगे जी। इस चयन का मेरा अपना तर्क है, निदा साहब लिखते हैं मेरा अपना तर्क है, उनका तर्क है। क्या तर्क है आगे देखिए, फिर बात मैं बताता हूँ कि क्या है। वो कहते हैं, इस चयन को मेरा अपना तर्क है, जो मेरा काव्य दृष्टिकोण भी है। यगाना के सभी मुसीबतों का जायजा लेकर निदा साहब आखिरी मिसरा लिखते हैं कि इन सब के बावजूद न झूठ को वो सच बोला, इन सब के बावजूद न झूठ को सच बोला, न अपने शब्दों को दूसरों की तराजू में तोला। वो हार कर भी कभी हार न मानने वाली शख्सियत थी। मेरा ख्याल है यगाना चंगे जी का नाम निकलकर निदा साहब का नाम डाले तो यही हम सब कहेंगे कि ये भी शख्स ऐसा था। वो भी झूठ को कभी सच नहीं बोलते थे, ना अपने शब्दों को तोलते थे। वो अलग इंसान थे, वो एक अजीम शायर जरूर थे लेकिन एक बेहतर इंसान थे। मैंने निदा साहब के जाने के बाद लिखा था कि हिंदुस्तानी गंगा जमुना तहजीब का मानने वाले हर निधर्मी आदमी का नुकसान हुआ है, सिर्फ भारतीय मालती भाभी और तहरीर का ही नुकसान नहीं,
हम सब का नुकसान है। मैं इस किताब की समीक्षा या आलोचना करने के लिए नहीं यहाँ खड़ा नहीं हूँ, ना ही मेरी हैसियत है, लेकिन हम अपनी रोज़मर्रा की अमली ज़िंदगी से किसी भी शख्स चीज़ या सरगर्मी का जायज़ा लेने का फितरी रुझान रखते हैं। दैनिक व्यावहारिक जीवन से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की समीक्षा करने की हमारी सहज प्रवृत्ति होती है, लेकिन मूल्यों, सोचने समझने की क्षमता, सामाजिक अवधारणा जैसी अन्य व्यक्तिगत विशेषताएं तो निदा साहब जैसे एकाद आदमी में होती है, इस किताब में वो पन्ने पन्ने पर दिखाई देती है। निदा साहब का ये शेर है, आपको मालूम है कि कहता है कोई कुछ तो समझता है कोई कुछ, कहता है कोई कुछ तो समझता है कोई कुछ, लफ्ज़ों से जुदा हो गए लफ्ज़ों के मानी। वैसे कोई भी कुछ समझे, लेकिन सामाजिक मूल्यों पे निदा साहब का लिखा हुआ हर मजमून उनकी हर गज़ल की तरह दिल लुभावना ही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में इस किताब का आना, शाया होना, उसकी अहमियत क्या है, तो आप सिर्फ इस किताब के एक जरूर एक लेख पढ़िए, उसका नाम है भूख पी जाती है। उसमें उन्होंने लिखा है, वो दो चार लाइनें बोल के मैं बैठने वाला हूँ, उन्होंने लिखा है कि आतंक कौन फैलाता है, इसके पीछे किसका हाथ है, कौन इसके आगे है, कौन इसके साथ है, ये ऐसे प्रश्न है जिनके उत्तरों की तलाश सोचने वालों को मुसलसल भटकाती रहती है। इन सवालों के जवाब सब अपने अपने सीमित दायरों में टटोलते नजर आते हैं। आज की हालात, जब मैं आज की हालात कह रहा हूँ, गाजा पट्टी से लेके यूक्रेन तक जो चल रहा है उसके बारे में कहता हूँ कि आज की हालात को देखकर, आज के हिंदुस्तान को समझ जो जाता है, तब हमें कहता है कि इस ऐसे माहौल में ये किताब आना जरूरी था। ये किताब का शाया होना इसलिए ज़रूरी था कि बकौल निदा साहब, आजकल इतिहास से जुड़ाव कम, अलगाव का काम ज़्यादा लिया जाता है। इस किताब की अहमियत यह है कि एक आला दर्जे का शायर अपने पिछली नस्ल के बारे में क्या कहता है, और जितना हरि मृदुल जैसे उभरते शायरों के बारे में कहता है, वो शेख अयाज पर अपने कलम के फूल बरसाता है, उतने ही नारायण श्याम की कविता लिखता है। वो दोहाकार राजेश कुमार पे लिखते हैं और गज़लकार इंदु श्रीवास्तव जी के ऊपर भी लिखते हैं। वो राज कपूर और दिलीप कुमार के चमक दमक पर लिखते हैं और भारत भूषण के बुढ़ापे का सहारा क्या हो गया उसके ऊपर भी लिखते हैं। ये सब आपको इस किताब में मिलेगा। कट्टरपंथी चाहे किसी मजहब का हो, किसी मूल से ताल्लुक रखता हो, निदा जी के नज़र से चुकता नहीं, उसे उनकी कलम के कोड़े खाने ही पड़ते हैं। एक जो बर्बरता सभी तरफ दिखाई देती है, उसके बारे में निदा साहब जो बोलते हैं, उसकी आवाज़ कई वर्षों तक, कई सदियों तक गूंजती रहती है। यही इस किताब की विशेषता है। निदा जी की एक और बात जिसका जिक्र मैंने पिछली दफ़ा भी किया था कि उनकी मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट इतनी मायूस, इतनी मासूम थी, उसकी भी झलक इस किताब में आपको पन्ने पन्ने पर दिखाई देगी। जैसे कि एक वाकया है, 2006 की बात है, कि वो एक दफ़ा उन्होंने एक आदमी को ही फैज़ अहमद फैज़ बना लिया था और उन्होंने कहा था कि यह फैज़ अहमद फैज़ है, और सभी जगह खबर फैल गई थी। तो ये जो उनका एक तरीका था एक मजाक करने का छोटी मोटी, वो भी इसमें आपको दिखाई देगी। इस किताब में इक्तिबास के काबिल बहुत सी सत्रे है, लेकिन मैं वक्त देख रहा हूँ, वाणी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस किताब को बड़ी खूबसूरती से सजाया है, और मैं मालती जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसका संपादन बड़ी मेहनत से किया है। मैं जानता हूँ कि निदा साहब जाने के बाद बहुत सारे ऐसे उनके काम अधूरे पड़े थे कि क्या करना है इस सब का, और मालती जी ने देखा कि ये जो आर्टिकल्स है जो बीबीसी में थोड़े बहुत छपे, और एक कोने पे उसके, आपने किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसके एक कोने पे मेरा नाम लिखा था उन्होंने निफाड़ कर।
मालती जी ने मुझे कहा कि निफट कर ये क्या है ये सब, कहते हो सब मेरे पास है। तो मालती जी बोले चलो आ जाओ फिर मुंबई, हम देखते हैं क्या करना है। और फिर हमने वो सब उसका फहरिस्त बनाई और वो सब वाणी के पास भेज दी और माहेश्वरी जी ने वो आपके सामने लाया। मैं चाहता हूँ कि आप सब इस किताब को सिर्फ चाहेंगे नहीं, सिर्फ खरीदेंगे नहीं, लेकिन इस किताब का और लोगों के पास जो ये फसाद ये सब मामले में जाते हैं उनको भेंट भी दीजिए, तो भी ये किताब अच्छी तरह से जाएगी। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने सब ने मुझे बर्दाश्त कर दिया, शुक्रिया। दोस्तों अभी आप प्रदीप निफाटकर जी के अनुभव सुन रहे थे और हमारे सामने बैठे हैं शाहिद लतीफ़ साहब, जो एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ जो सबसे लोकप्रिय अखबार है उर्दू का इनकलाब डेली, उसके आप संपादक हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ सम्मान के साथ आपको आवाज़ दे रहा हूं कि आप आइए अपनी भावनाओं का इजहार कीजिए। शाहिद लतीफ़ साहब, सबसे पहले मैं वाणी प्रकाशन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत किताब हम लोगों की नज़र की, जो अगर नहीं छपती तो शायद ये मज़ामीन कहीं खो जाते। मुझे इस बात का गर्व है, शौक़ है, सआदत हासिल है कि निदा साहब से मेरा ताल्लुक कम से कम 35 बरस का था। और मुझे याद है कि ये छोटा सा वाक़या इसलिए सुनाना चाहूँगा कि निदा फाजली इतनी बड़ी शख्सियत थे लेकिन कितने सादे थे, कितनी मोहब्बत करने वाले थे, इससे उसका अंदाज़ा होगा आपको। कि मैं जब यहाँ बांद्रा के MMK कॉलेज में स्टूडेंट था दूसरे साल का ग्रेजुएशन में, तब मुझे सूझी कि कोई पत्रिका निकालनी चाहिए। मैंने एक छोटी सी पत्रिका निकालने का फैसला किया। उस वक्त जो है वो मेरे पास इतने साधन नहीं थे, स्टूडेंट था, तो मैंने जो है वो एक छोटी सी पत्रिका साइक्लो स्टाइल पर, यानी मैं उसको हाथ से लिखता था और वो साइक्लो स्टाइल पर छपती थी। मैंने उसका यानी उसकी हिम्मत की और उसके बाद में ये सोचा कि इसका विमोचन किसी बड़े आदमी से करना चाहिए, लेकिन इतनी छोटी पत्रिका और इतना बड़ा आदमी तो वो कौन हो सकता है। मुझे कुछ समझा नहीं, मैं छोटा सा था, मतलब ये कि मेरी उम्र कितनी रही है उस वक्त, 22 साल 23 साल रही होगी, लेकिन उस वक्त निदा साहब का नाम बहुत गूंज रहा था। तो मैंने कहा कि मैं बांद्रा में रहता था और निदा साहब का मकान जो है वो खार में था, तो मैंने कहा कि ये इजीली एक्सेसिबल है, बहुत जल्दी से मैं पहुंच जाऊंगा, इनसे बातचीत भी हो जाएगी। मैं गया, दोपहर का वक्त था, निदा साहब बड़े यानी गर्मजोशी से मिले, बहुत अच्छे से मिले, जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा आदमी इतनी गर्मजोशी से, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से मुझसे मिलेगा। उन्होंने न सिर्फ ये कि मुझे वेलकम किया बल्कि अपने घर में बिठाया और उसके बाद में जो है वो मुझसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तो मैंने बताया कि ये ऐसी ऐसी पत्रिका, उस वक्त तो उसकी पहली कॉपी भी नहीं छपी थी, मैंने कहा कि ऐसी ऐसी पत्रिका मैं छापना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि उसका विमोचन आप करें। तो उन्होंने कहा कि मैं आ जाऊँगा। अब ये मैं आ जाऊँगा तीन शब्द हैं और ये तीन शब्द जो है वो अपने अंदर जो है वो समंदर की गहराइयाँ लिए हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि ये सरसरी, मतलब ये कि पानी की सतह पर दौड़ती हुई कोई चीज़ है और इसका गहराई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझा कि भाई ठीक है, उन्होंने कह तो दिया, मुझे चाय पिलाई और रुख्सत किया। मुझे ऐसा लगा कि निदा साहब जो है वो इतने बड़े आदमी हैं, इतनी छोटी पत्रिका के लिए कहाँ से आएंगे। तो खैर वो दिन आया और यकीन जानिए कि उस पत्रिका से जुड़े हुए जितने लोग थे वो बाद में पहुँचे, सबसे पहले निदा साहब वेन्यू पर पहुँच चुके थे और इसे जो है वो हुस्न इत्तेफाक कहते हैं उर्दू में, कोइंसिडेंस, कि जिस जगह पे निदा साहब उसके विमोचन के लिए आए थे वो यही भवंस कॉलेज था। ये 1978 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद से निदा साहब का हमारा जो ताल्लुक़ हुआ, मैंने स्टूडेंट लाइफ कंप्लीट की, उसके बाद में अखबार से वाबस्ता हुआ, अलग अलग जगह कॉलम लिखता रहा, फिर इनकलाब में मेरा 1989 में अपॉइंटमेंट हुआ, तब से लेकर आखिरी दम तक निदा साहब से ताल्लुक़ रहा। अगर हफ्ते में एक दो मरतबा नहीं तो महीने में दो तीन मरतबा तो ज़रूर बातचीत हो जाती थी। वो गज़लें जब लिखते तो पहले मुझे भेजते थे, वो कोई मज़मून लिखते तो पहले उसकी तमहीद बांध देते थे कि भाई मैं मज़मून लिख रहा हूँ और आपको भेजूँगा।
मेरे पास ऐसे कम से कम 50 मेल होंगे उनके, जो उनकी तहरीरों में उसमें अटैचमेंट्स उनकी तहरीरों के हैं, उनकी नज़मों के, उनके गज़लों के, उनके अशार के। और उनकी एक किताब जो छपी चेहरे उर्दू में, वो सारे मज़ामीन जो है वो उनके इनकलाब में छपे हुए मज़ामीन थे, जिसका संग्रह जो है वो बाद में शाया हुआ। तो निदा साहब को श्रद्धांजलि पेश करने के लिए, उनको उनका खराज अकीदत देने के लिए, या उनकी याद ताज़ा करने के लिए, उनकी तहरीरों को किताबी शक्ल में अपने सामने उसका विमोचन होते हुए देखने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। और यकीन जानिए कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसी शाम का हिस्सा बने। निदा फाजली का तस्करा हम सुन रहे हैं, एक ऐसा शख्स जो बहुत महान था, और समझ लीजिए कि उसका जो पोएटिक यूनिवर्स था, जो मेंटल यूनिवर्स था, वो बहुत बड़ा था, वो होराइज़न बहुत बड़ा था, आप उसको नहीं पा सकते। और वो बहुत दूर तक जो है वो फ़ज़ा में उड़ने के बाद जब लौट कर ज़मीन पर आते थे, तो ऐसा लगता था कि ज़मीन का पैगाम इतनी दूर जाकर भी वही है उनके पास, और वो एक ही पैगाम है कि प्रेम, मोहब्बत। चुनाचे निदा फाजली जो है वो मोहब्बतों के शायर हैं, आप कहीं से भी उनको उठाकर देख लीजिए, उनकी तहरीरों में मोहब्बत ही दिखाई देगी। वो दुश्मनी के ख़िलाफ़ है, वो अदावत के ख़िलाफ़ है, वो जंगों के ख़िलाफ़ है, वो आपस में जो एक दूसरे की रस्साकशी होती है उसके ख़िलाफ़ है, वो ऐसी तमाम यानी ज़िंदगी की तमाम निगेटिविटी के ख़िलाफ़ है। वो तमाम निगेटिविटी के दरमियान से एक पॉजिटिविटी ढूंढ कर आपके सामने रख देते हैं, और आपको ये पैगाम देते हैं कि देखिए ज़िंदगी जीने का तरीका आपके सामने रखा हुआ है। यही वजह है कि आपने देखा कि उन्होंने बहुत सारी नज़मों में बहुत खूबसूरत पैगाम दिए। मिसाल के तौर पर सुनी एक छोटी सी नज़म सुनाता हूँ उनकी। सुनी सुनी थी फ़ज़ा, मैंने यूं ही उसके बालों में गूंधी खामोशियों को छू लिया। वो मुड़ी, थोड़ा हंसी, मैं भी हंसा, फिर हमारे पास नदियाँ, वादियाँ, कोहसार, बादल, फूल, कोपल, शहर, जंगल, सबके सब हंसने लगे। एक मोहल्ले में किसी घर के किसी कोने की छोटी सी हंसी दूर तक फैली हुई दुनिया को रोशन कर गई, जिंदगी में जिंदगी का रंग उसने भर दिया। देखिए साहब, वो एक छोटी सी हंसी किसी घर के किसी कोने की हंसी है, लेकिन उस हंसी को ये यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस छोटी सी हंसी में ज़िंदगी है। आप जिन परेशानियों में जूझते रहते हैं, आप जिन नाकामियों में अपनी नाकामी तलाश करते हैं, आप जिन महरूमियों का रोना रोते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है और काश वो मुझे मिल जाता, इन तमाम के दरमियान एक छोटी सी हंसी कितनी खूबसूरत होती है, कितनी उसके अंदर ताकत होती है, इस ताकत को उन्होंने महसूस करवाया। तो इसी मोहब्बत के हवाले से आप देखेंगे कि निदा फाजली जो है वो औरत के तकद्दस, उसकी पाकिजगी को ख़ास तौर पर यानी उसको रिवाज देना चाहते थे। इसी तरह से माँ की अज़मत, माँ कितनी महान हस्ती होती है, इस बात को उन्होंने जा बजा अलग अलग जगहों पर पिरोने की कोशिश की है। एक छोटी सी उनकी जो गज़ल है जो गाई भी गई है कि बेसन की सौंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ याद आती है, चौका बासन बेलन फुकनी जैसी माँ। अब इस बात पर तो मैं इतना वक्त नहीं है कि आपके सामने उसको विस्तार से बयान कर सकूँ कि इस गज़ल में उन्होंने कितनी बड़ी जुरत की है, कितनी बड़ी बहादुरी का काम लिया है कि हर आदमी ऑफेंड महसूस करेगा कि आपने माँ को फुकनी भी कह दिया, आपने माँ को चुमटा भी कह दिया, लेकिन ये जुरत या इस जुरत के ज़रिए, एक नए डिक्शन के ज़रिए बहुत खूबसूरत पैगाम अगर कोई दे सकता था तो वो सिर्फ निदा फाजली दे सकते थे। तो वही चीज़ जब आगे बढ़ती है तो देखिए, एक छोटी सी नज़्म है। सूरज एक नटखट बालक सा दिन भर शोर मचाए, इधर उधर चिड़ियों को बिखेरे, किरणों को छितराए, कलम दराती ब्रश हथौड़ा जगह जगह फैलाए, शाम थकी हारी सी माँ जैसे एक दिया मिलकाए, धीरे धीरे सारी बिखरी चीज़ें चुनती जाए। ये माँ जो है इसको इस रूप में कितने लोगों ने महसूस किया। सब लोग घर जाते हैं, माँ से बातें करते हैं, माँ से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन माँ जो है वो अपने घर को संभालने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, अपने शोहर को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कितने जतन करती है, ये चीज़ जो है वो अगर आप महसूस करेंगे तो ऐसी नज़मों के ज़रिए महसूस करेंगे, और निदा फाजली के यहाँ महसूस करेंगे, और किसी के यहाँ शायद आपको ये नहीं मिलेगा।
इसी तरह से मोहब्बत के पैगाम को यूनिवर्सलाइज करते हुए उन्होंने जो मोहब्बत को पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की सिर्फ एक ज़रूरत है और मोहब्बत है, वो जगह जगह बताने की कोशिश की है। चुनाचे आप उनकी नज़मों में, ख़ास तौर पर नज़मों में और गज़लों में भी जो डिक्शन देख रहे हैं, जो तरीका देख रहे हैं, जो शैली उनकी देख रहे हैं, वो कहाँ से चल रही है? वो अमीर खुसरो से चली हुई है। खुसरो ने कहा था, खुसरो चल घर आपने सांझ भई चौदेस, है ना, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस। तो ये वहाँ से चली आ रही है जो नज़ीर के यहाँ आई और नज़ीर के यहाँ काफ़ी देर तक ठहरी, उसने नज़ीर को बहुत मालामाल किया और फिर वो मुख्तलिफ शायरों से होती हुई निदा फाजली के पास आई। निदा फाजली ने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं रिवायत से हट रहा हूँ तो शायद मैं शायरी में अपना नाम ना कमा पाऊँ। निदा फाजली को कभी ये डर नहीं सताता था कि मैं अगर मान लीजिए किसी पर कोई ऐसा जुमला लिख दूँ जो कि बहुत बेबाक हो लेकिन ये कि बहुत सही जुमला हो, सटीक बैठता हो, तो ऐसे जुमले से वो डरे नहीं। ये नहीं सोचा कि मुझे महफिलों में लोग बुलाना बंद कर देंगे या मुझे मुशायरों में नहीं बुलाएंगे या सेमिनारों में मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। उन्होंने बेखौफ होके बहुत ही जयाले तरीके से, बहुत ही निडरता के साथ में उन्होंने अपनी शायरी की है और दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। तो ये निदा फाजली थे। मेरे पास निदा साहब पर कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए कि उन्होंने गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है और उनके कई मजमूए हैं, उनकी कई किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, उन पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेकिन ये कि इतना बड़ा जहन, इतना बड़ा आदमी, एक सादा सा दिल रखने वाला, मैं ज़ाती तौर पे इस बात को जानता हूँ, शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते कि निदा फाजली उस वक्त भी ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे जब वो ख़ुद ज़रूरतमंद थे। उसके बाद जब ऊपर वाले ने उनको बहुत नवाज़ा तब भी जो है वो बहुत खामोशी के साथ निदा फाजली लोगों की मदद किया करते थे। ये चीज़ जो है वो बहुत कम लोगों के यहाँ होती है। लोग बड़े हो जाते हैं तो अपनी जड़ों से कट जाते हैं, अपनी दुनिया को छोड़ देते हैं और अपने घर में पराए लगने लगते हैं। निदा फाजली ने पराई जगहों पर अपनाइयत तलाश की और उसमें ज़िंदगी बसर की। अमर रहेंगे निदा फाजली साहब, हमेशा जियेंगे, और मैं समझता हूँ कि जब तक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। किताब के लोकार्पण में आप लोग शामिल हुए, उसमें ऐसी ऐसी दास्तान हैं कि जिनसे शायरी का पूरा इतिहास रोशन हो जाता है। निदा फाजली साहब सन 65 के आसपास इस शहर में आए और उस समय तक इस शहर पे जितने प्रगतिशील शायर थे वो राज कर रहे थे, उनकी हुकूमत चल रही थी, वो जनता में बेहद लोकप्रिय थे। सरदार जाफरी थे, कैफी आज़मी थे, साहिर लिधुआन भी थे, ये सब निदा साहब के सीनियर थे। लेकिन निदा साहब की लेखनी में जो दम था, जो उनका फ़न था, जो हुनर था, उसकी लोग बहुत इज़्ज़त करते थे। दूसरी तरफ जो हिंदी के शीर्ष रचनाकार थे धर्मवीर भारती, कमलेश्वर जी, वो भी निदा साहब के बहुत अच्छे दोस्तों में थे। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि निदा साहब एक ऐसे शायर थे, एक ऐसे फनकार थे कि उन्होंने हिंदी और उर्दू के बीच में एक सेतु का काम किया, पुल का काम किया, दोनों भाषाओं के लोगों को जोड़ा। निदा साहब की जितनी किताबें हैं वो उर्दू में भी प्रकाशित हुई और वो किताबें हिंदी में भी प्रकाशित हुई। जिन लोगों ने हिंदी स्क्रिप्ट में निदा साहब की शायरी को पढ़ा है वो जानते हैं कि उनको किसी भी पन्ने पे वर्ड मीनिंग नहीं देना पड़ा। यानी वो ग्वालियर से आए थे और ग्वालियर में जिन लोगों को उनको साथ मिला था वो मुकुट बिहारी सरोज थे, शिव मंगल सिंह सुमन थे, तो इन लोगों के वीरेंद्र मिश्र थे, इन लोगों के साथ रहते सहते निदा साहब की हिंदी भी बहुत अच्छी थी, उर्दू भी बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों ऐसे शायर की किताब आपके सामने आए हैं कि जिसने गद्य में भी एक अपना करिश्मा किया लेखन का, और उनका जो आत्मकथा है दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर, वो जो है अदब का, साहित्य का एक लाजवाब नमूना माना जाता है कि जिसमें बहुत खूबसूरत गद्य है।
तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दो तीन दोस्तों को बस बुलाना चाहता हूँ, ये समझ लीजिए कि 3-4 मिनट के लिए, उसके बाद हम फिर अपना कार्यक्रम संगीत का शुरू कर देंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले जिनका हमने जिक्र किया था, गुजराती के बहुत जाने माने पोएट अनिल जोशी साहब से निवेदन है कि कृपया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, और आप जो है निदा साहब के 35-40 साल के साथी हैं, तो आज समय कम है, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि 5 मिनट के भीतर अनिल जोशी साहब अपनी बात करें, आप सबके सामने आएँ। कृपया आदर के साथ अनिल जोशी जी को यहाँ कोडियम पर ले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस समारंभ में आने का, एक सौभाग्य मिला। निदा फाजली साहब के साथ मेरा 40 साल पहले का रिश्ता था। तब हम निदा फाजली साहब पीला शर्ट और इंशर्ट करके हम लोग जहांगीर आर्ट गैलरी में के पंक्ति पर बैठते थे, साथ में भी दूसरे दोस्त थे। तब हम कहते थे, पैसा नहीं था और पूरा फैमिली पाकिस्तान चला गया था और निदा साहब यहाँ थे, तो कहीं कहीं मुशायरा होता था तो मुझे बताते थे, चंडी रोड पर चलो, अनिल मुशायरा है, 35 रुपये पुरस्कार मिलेंगे। तो हम दोनों दौड़ के वहाँ जाते थे, चन्नी रोड में कविता पाठ करके आते थे, 35 रुपये मिलते थे, पाँव वड़ा खा के बैठते थे। मिर्ज़ा गालिब और सब बड़े बड़े शायरों की हम वहाँ बात करते थे। बाद में वो थोड़े अलग हो गए, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब, हम बार बार मिलते थे। और ख़ास करके मुझे आज जो कहना है, इतना कहना है, आज की जो परिस्थिति है इतनी बिगड़ी हुई है, गाज़ा पट्टी में मैं देखता हूँ, दंगल देखता हूँ, आज का पॉलिटिक्स देखता हूँ, तब मैंने बड़ौदा में दाभोलकर की हत्या के विरोध में मेरा साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया। तब निदा फाजली साहब फ़ोन पर साथ में थे और फ़ोन पर मुझे कहा कि अनिल, ये प्राइवेटाइजेशन का युग है, कई लोगों ने हिंदू धर्म को भी प्राइवेट कर लिया है, प्राइवेटाइजेशन का। ये निदा साहब की वेदना थी। हम लोग इराक में जो हुआ इनकी बातें करते रहे, गाज़ा पट्टी में हुआ और बाद में खार में मिले, तो महमूद दरवेश की पूरा दिन साथ में रहे, डिप्रेशन में थे, महमूद दरवेश की एक कविता सुनाई निदा साहब मैम, जब मेरा शब्द मिट्टी था, जब मेरा शब्द मिट्टी था तब मेरी दोस्ती गेहूं के साथ हो गई, जब मेरा शब्द मिट्टी था तो मेरी दोस्ती गेहूं से हो गई, जब मेरा शब्द क्रांति था तो मेरी दोस्ती जंजीर से हो गई। और बाद में कहा, पवन चक्की घूमती है, वो गेहूं का आटा नहीं पीसती है, कभी कभी पंछियों को भी पीस लेती है, कभी कभी आसमान भी पीस लेती है। और अभी तो जिंदगी को भी पीस लेती है, और बाहर जो आटा निकलता है ना, इसे दुनिया के लोग अमन का आटा कहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कविताओं इनके साथ मेरे घर पे, मैं भी खार में रहता था, मालती जी के घर में कभी जाता था, हमारी गुप्तगू चलती रहती थी। और मैंने कहा, निदा साहब है ना एक ऐसे जिंदा दिल कवि थे, क्योंकि जिंदा चमड़ी बजती नहीं है, चुपचाप चमड़ी जब मर जाती है तब ढोल की तरह पीटती है।
जिंदा चमड़ी वाले लोग बहुत कम रहे हैं शायर आज के समय की वेदना में। मैं तो यही सोचता हूँ निदा साहब के लिए, मेरी एक कविता की छोटी सी लाइन है, एक छोटी सी लाइन है, कवि का धर्म क्या होता है, दिया कभी बुझने ना पाए, वो शर्ते हमें तूफान की आरती उतरना है। दिया कभी बुझ ना पाए, तो मैं निदा साहब को इतना मिस करता हूँ। जब अवार्ड वापस दिया तब हमारे साथ इतनी गुफ्तगू, इतना ये पैलेस्टाइन की बात होती है, कभी कभी इराक की बात होती है, दंगे की बात होती है, इसमें निदा साहब मेरे इतने करीबी दोस्त थे। बाद में मैं खार रहने आया तो खार में रास्ते में मिल गए, मैंने बोला अरे यार, तो मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था, और हाथ साथ में कहे अरे पहले तो अनिल हम मिर्जा मीर की बात करते थे, गालिब की बात करते थे, तब इन्होंने एक गालिब का शेर मुझे सुनाया जो बहुत कोट नहीं किया जाता था, सत्ता का, सत्ता की निर्दयता और सत्ता की उदारता, इनका शो शेर मुझे बराबर याद नहीं है, लेकिन निदा साहब के शब्दों ये थे कि देखो अनिल, ये सत्ता है ना, इसकी निर्दयता के बारे में गालिब ने लिखा है, ये चिड़िया बहुत चींची 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 करती है, गला काट कर मार डालो, ये निर्दयता। फिर गालिब साहब दूसरी लाइन में लिखते हैं, उदारता बताओ यार, किसी को मार डालना, ये फिर ये कहती है अरे भाई ऐसा तो नहीं जो बोलते हैं पंछी, इसको मार डालने का। फिर बोलते हैं सत्ता वाले, मारो मत इसे, बगीचे को ताला लगा दो। ये ऐसी ऐसी बातें होती है। अंत में मैंने अभी अभी जो एक कविता लिखी है निदा साहब के नवनीत में प्रकाशित होगी, गाजा पट्टी के ऊपर इनकी चंद लाइनें हैं, इसमें चंद लाइनें में पढ़कर चार पांच लाइनें पढ़कर मैं बैठ जाता हूँ। आइजैक न्यूटन साहब, आपने तो पेड़ से सेब को नीचे पड़ते देखा था, आपने तो पेड़ से सेब को नीचे पड़ के देखा था, प्लीज़ वो सेब मुझे दे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। आपके गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, झूठा है झूठा, न्यूटन साहब गुरुत्वाकर्षण का नियम झूठा है, आसमान से सेब नहीं गिरते, आसमान से बम गिरते हैं, मिसाइल गिरती है, ये सब किया। थैंक यू वेरी मच। तो आगे जो वक्ता आएंगे, अब दो ही वक्ता हैं, भाई सुभाष कावरा आप पधारिए। निदा साहब के बहुत प्रिय मित्र राजेश रेड्डी साहब अपनी जीवन संगनी रेखा रेड्डी साहब पधारे हैं, आपका राजेश जी हार्दिक स्वागत है। शायर अफसर दकनी, कवि अमर त्रिपाठी, कवि नवीन चतुर्वेदी, शायरा सविता सिंह, शायरा अर्चना जौहरी और शायर कमर हाजीपुरी, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और देवमणि चाहे तो बैठ जाएं, मैं 4.5 मिनट में बैठ जाऊंगा। हम लोग जब भाई हरी मृदुल पूरन पंकज में जब अंतिम विदाई देने कब्रिस्तान गए थे निदा साहब को, तो हम में कोई बात ही नहीं, शब्द ही नहीं फूट रहे थे मुँह से। शायद सबके जहन में एक ही शेर चल रहा था कि जिसने कहा था मेरा बहुत लंबा सफ़र है, जंजीर खींचकर वो मुसाफिर उतर गया। ऐसे जिंदा दिल आदमी की सेंचुरी की कामना तो हम सब करते थे। भाभी यहाँ बैठी हैं, निदा साहब ने सैकड़ों वादे निभाए होंगे आपके, लेकिन ये वादा वो तोड़ कर गए, उन्होंने सेंचुरी नहीं मारी। मैं उन लोगों को सौभाग्यशाली मानता हूँ जो ऐसे आयोजनों सभाओं के अलावा प्राइवेट महफिलों में भी निदा साहब के साथ बैठ पाए। मेरे लिए उनके साथ बैठना, भाई हरी मृदुल, आशिका नटल, पूरन पंकज, कितने नाम मैं गिनाऊँ,
कि कभी भी फ़ोन करो तो आ जाओ, क्या कर रहे हो, मारवाड़ी हो, कुछ बेच रहे हो? मैंने कहा नहीं। खरीद रहे हो? मैं कहा नहीं। तो आ जाओ। अब तो ऐसा बोलने वाला कोई जीवन में रहा ही नहीं। हम लोग जाते थे, एक बार प्रदीप चौबे का रेफरेंस लेकर एक शायर ग्वालियर से आया अरुण जी, तो वो भी मेरे साथ चिपक के चले गए, लेकिन संयोग से उन्होंने निदा साहब को एक बहुत बढ़िया शेर सुना दिया, तो भरपूर दाद दी उन्होंने और कहा भाई बहुत अच्छा लिखा है, इस पे तुम्हारे दो पैक तो बनते हैं। अब उसने गर्दन झुका ली, बोले सर मैं ड्रिंक नहीं करता। बोले पक्का? बोले हाँ। तो फिर ये बता दो कि शेर किसके पढ़ते हो? ये हमारे निदा साहब थे। मुझे तो ये मानने में कोई बल्कि गर्व होता है कि मैं जब भी ऐसी महफिलों में बैठा हूँ, निदा साहब तो इतने बड़े शायर, कितना बढ़िया सोचते थे और कहन उनकी और कहने का तरीका सब कुछ लाजवाब, लेकिन मुझ जैसे व्यक्ति को उनकी महफिल में अरुण जी एक व्यंग का विषय मिल जाता था। एक दो बार मैंने उनकी कोई पंक्ति पकड़कर, कोई जुमला पकड़कर, कोई किस्सा पकड़कर लेख लिखा उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है मियाँ, रॉयल्टी कब भेज रहे हो, तुम तो मारवाड़ी हो, कमाओगे इससे। और कई बातें, एक बार हम लोग पुणे से लौट रहे थे, उन्होंने जिद की कि रात में ही चलते हैं, सुबह कहीं उनको जाना था, जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी। हम लोग, पुराना रास्ता था तब, एक्सप्रेस हाईवे बना नहीं था, तो हम तीन चार लोग कार में निकले, पुराने रास्ते से आ रहे हैं, तो उस समय स्ट्रीट लाइट बड़ी गड़बड़ हुआ करती थी मुंबई पुणे रोड की। अब वो ड्राइवर नौजवान था, वो धीरे धीरे चलाए, कहीं रोक दे, तो निदा साहब ने कहा क्यों, क्या कर रहे हो, ये कब पहुंचाओगे हमें? उसने कहा साहब लाइट नहीं है, संभल के चलाना पड़ रहा है, आप जल्दबाजी मत कीजिए। बोले अच्छा, डर लग रहा है तुम्हें? बोले हाँ, डर तो लगता ही है, बीवी बच्चों वाला आदमी। तो बोले आँखें बंद करके चलाओ। वो हैरान, बोले सर क्या सलाह दे रहे हैं? तो बोले मियाँ इस देश में लोग आंखें बंद करके सरकार चला लेते हैं, तुमसे एक कार नहीं चला जाएगा। ये हमारे निदा साहब थे साहब, ऐसी महफिलें, अकेले नहीं रह सकते थे, कंपनी चाहिए, बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि देवमणि मेरे दाएं आकर खड़े हो जाए। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सत्र का जो आखिरी भाषण है, वक्तव्य यानी तीन चार मिनट का ही, वो हरि मृदुल जी का है। हरि मृदुल जी बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और आप समझ सकते हैं कि निदा फाजली साहब के इतने करीबी हैं कि रोशनी के फूल किताब में हरि मृदुल के ऊपर भी एक लेख शामिल है। तो आइए हरि मृदुल को सुने। आइए हरि जी। मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, ख़ास तौर पर कुलदीप जी, घनश्याम जी और भाई साहब अशोक जी, आप सबको प्रणाम मेरा। ख़ास तौर पर अभी कुलदीप जी ने जिस तरह से प्रस्तुति दी, मतलब हमारी उम्र आपको लग जाए, हम यही कह सकते हैं। और अरुण जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रकाशक कमाल की किताबें उन्होंने छापी हैं, और निदा साहब का सारा साहित्य वही छापते हैं। उनसे मेरी एक गुजारिश शुरू में ही रहेगी कि मुलाकातें आप जब हिंदी तर्जुमा उसका हो जाए, शाही साहब उसका प्रबंध कीजिए कि उर्दू से हिंदी में आ जाए, तो बहुत चर्चित होगी। निदा साहब के बारे में तो पूरा दिन बोला जा सकता है। चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा तेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान। निदा साहब को अगर अभिव्यक्त करने के लिए आप मुझसे कहेंगे तो मैं इन दो पंक्तियों में ही मैं उनको अभिव्यक्त करूंगा, उनकी रचनाशीलता को। इतना स्नेहिल, इतना प्यार करने वाले, इतने ममत्व से भरे, जीवन में बहुत कम लोग मिलते हैं। मेरी उम्र 27-28 साल थी जब निदा साहब ने मुझ पर लिखा था, और बताऊँ वो ईमेल का दौर नहीं था, उन दिनों फैक्स ही चलते थे, और उनको बड़े बहुत ही घबराते हुए, शर्माते हुए मैंने अपनी पांडुलिपि दी थी, पहले ही काव्य संकलन की, तो करीब 9 पन्ने उन्होंने फैक्स किए थे मुझे,
और ये मेरे लिए मतलब नोबेल पुरस्कार से कम बड़ी बात नहीं थी, आज भी वही बात है। तो इतना स्नेह देने वाले थे वो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि युवा पीढ़ी को कितना प्यार करते थे वो। मेरी कविता कैसी थी वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, युवा लोगों को, मुझ जैसे युवाओं को उन्होंने बहुत स्नेह दिया है। लेकिन वो परखते थे, बहुत सारे लोगों से वो दूर भी रहते थे, तो इतने स्नेहिल, इतने करुणापूरित वो थे। और कबीर की परंपरा, अगर हम कबीर को याद करें कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानु कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, आप देखिए गीता बाँची से आप करिए, तो उस परंपरा को उन्होंने निर्वहन किया उसका। और हिंदी में जो उनका अनुवाद हुआ है वो उर्दू हिंदी जैसी बात उसमें है ही नहीं। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूँगा, जो अन्य वक्ता उसको उनको समय नहीं मिला बोलने का, वो ये था कि उनको हिंदी उर्दू और विश्व साहित्य का जितना ज्ञान था बहुत ही कम लोगों को होता है, इसलिए वो बड़े शायर भी थे। उनको नाजिक हिकमत पता था, उनको पाब्लो नेरुदा पता था, उनको महमूद दरवेश पता था, उनको रिल्के पता था, और हिंदी के जो इस समय के जो समकालीन उनसे भी बाद की पीढ़ी के थे, चाहे वो राजे जोशी हों, अरुण कमल हों, वीरेन डंगवाल हों, उदय प्रकाश हों, सब उनको, मंगलेश डबराल हों, उनको एक एक पंक्ति से गुजरते थे वो, तो उनको अच्छी तरह पता होता है कि साहित्य की प्रवृत्ति क्या चल रही है, उर्दू में क्या लिखा जा रहा है, उर्दू में तो लिखते ही थे, हिंदी में क्या लिखा जा रहा है, विश्व साहित्य में क्या इस समय चल रहा है, इसलिए उनकी रचनाएं, और वो दूर तक इसलिए जाते हैं, उन्होंने जिस भाषा को पकड़ा, जो अभी शाहिद जी ने कही बात कि आम फहम भाषा थी जो लोगों को कम्युनिकेट होती थी, लोगों की समझ में आती थी। मैं लगातार किताबों से गुजरता हूँ, नौकरी ऐसी है, और हजारों किताबों से गुजर चुका होऊंगा अभी तक में। मैं मेरी जो बहुत पसंदीदा अगर 10 किताबें होंगी उसमें दीवारों के बीच और दीवारों के बाहर होगी, इतना अनुपम गद्य है उसमें, अनूठा गद्य है, इतना विशिष्ट गद्य है उनका। और निदा साहब की कोई भी चीज़ पढ़ेंगे आप, सैकड़ों रचनाओं के बीच रख लीजिए आप, आपको बिना नाम के रखिए साफ साफ समझ में आ जाएगा कि निदा साहब का लिखा हुआ है। तो मैं मालती जी ने जो इस किताब की भूमिका लिखी है, मालती जी बहुत धन्यवाद आपको, आपको शुभकामनाएं, बधाई, इतना अच्छा है आपने भूमिका लिखी है। मालती जी ने लिखा है कि निदा साहब बच्चों की तरह मासूम थे, सचमुच बच्चों की तरह मासूम थे। तो निदा साहब की रचनाएं हमें रोशनी देती रहेंगी और रोशनी के फूल खिलते रहेंगे। धन्यवाद। आइए हम लोग अब बढ़ते हैं संगीत की तरफ। निदा साहब की जो गज़लें यहाँ पर आज पेश की जाएंगी, उनके जो गायक कलाकार हैं वो सब आपके दोस्त हैं, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, कुलदीप सिंह और उनके जो बाल कलाकार हैं, मतलब नसनेलो, उनको आपने जो है अभी अभी सुना। उसके बाद अशोक खोसला, जसविंदर सिंह, आलात काशीकर, शिवानी वासवानी, घनश्याम वासवानी और मालती जोशी फाजली को हम लोग सुनेंगे। तो नई नस्ल के लिए भी निदा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर लिखे, उसमें एक शेर ये है कि दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो आइए अशोक खोसला को सुने। आ, 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 आ,
किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। कहीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं।
देखिए, अच्छी गज़ल को अच्छी कंपोजिशन मिल जाए और अशोक खोसला जैसा अच्छा सुर मिल जाए तो क्या वो करिश्मा आपके सामने पेश किया जाता है, वो बखूबी आपने देखा। जसबिंदर सिंह से गुजारिश है कि मंच पर तशरीफ लाएं। जसबिंदर सिंह का संगीत का सुहाना सफ़र है। अगर मैं कहूं तो एक शेर के ज़रिए हम यूँ कह सकते हैं कि कोई तबील उम्र भी यूँ ही जिया नसीम, कोई तबील उम्र भी यूं ही जिया नसीम, और कोई ज़रा सी उम्र में इतिहास रच गया। आइए। शायरी में जो खो जाता
हंसते हंसते निकल आते हैं आंसू हंसते हंसते। ये किस गम की ये किस गम की कसक है हर खुशी में। ये किस गम की कसक है हर खुशी में। ये किस गम की कसक है हर खुशी में। ये किस गम की कसक है हर खुशी में। साहब ये जो अगला शेर है उसमें निदा साहब की जो उनका जो बचपना है उनके अंदर जो बच्चा है और उनके अंदर जो एक शरारत है वो नज़र आती है। शायद उन्होंने हमारे लिए ही कहा है, हम सबके लिए। और इसके जो बंद हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है। कहीं आँखें कहीं आके कहीं चेहरा कहीं लब कहीं आके कहीं चेहरा कहीं लब कहीं आके कहीं चेहरा कहीं लब। हमेशा हमेशा एक मिलता है कई में। हमेशा एक मिलता है कई में। हमेशा एक मिलता है कई में। जो खो जाता मिलकर कॉलेज में स्कूल में कोई और कॉलेज में कोई और शादी किसी और से होती है और शादी के बाद सुलगती रे तेरे पानी कहाँ था सुलग तेरे पानी कहाँ था सुलग तेरे छुपा
जिंदगी में कोई बात छुपा जिंदगी में जो खो मिलकर जिंदगी जो खो एक गज़ल जो है अलग अंदाज की गज़ल है और इस गज़ल को हमने रिकॉर्ड किया था कुछ 22-23 साल पहले या थोड़ा बढ़ाओ ना कुछ अजीब सा आ रहा है आपको ठीक आ रही है आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर क्या फ़ायदा सब कुछ बढ़ा दो मेरा बेस भी बढ़ा दो हाइज भी बढ़ा दो इन सबको कम कर दो हाँ थोड़े हाइज बढ़ाइए ताकि वॉइस बाहर जाए हाँ हाँ गेन भी बढ़ा दो क्या है ना कि आप ये सब बढ़ाओगे ना तो हमारे बजट भी बढ़ेगा फिर अब नहीं बढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं बढ़ेगा तो ये गज़ल जो है ये हमने कुछ 22-23 साल पहले रिकॉर्ड की थी किसी कंपनी के लिए लेकिन गज़ल को सुनने के बाद उसमें जो कंटेंट था शायद कंपनी घबरा गई कि ये रिलीज़ नहीं करनी चाहिए तो ये मैं आज 22 साल के बाद पहली बार गा रहा हूँ ये We are celebrating Nida sahab. Ijazat sir. ये शेखो बिरहमन हमें अच्छे नहीं लगते ये शेखो बिरहमन हमें अच्छे नहीं लगते हम जितने हैं ये उतने भी हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं लगते ये शेखो बेरहमन हमें अच्छे नहीं लगते हम जितने हैं ये उतने भी सच्चे नहीं लगते ये शेखो बेरहमन हमें अच्छे नहीं लगते दरिया में उतरना हो तो
कच्चे नहीं लगते। ये शेख बेरहमन हमें अच्छे नहीं लगते। कुछ ऐसे गली कूचे हैं बस्ती में हमारी, कुछ ऐसे गली कूचे हैं बस्ती में हमारी, कुछ ऐसे गली कूचे हैं बस्ती में हमारी। बचपन में भी बच्चे जहाँ, बचपन में भी बच्चे जहाँ बच्चे नहीं लगते। बचपन में भी बच्चे जहाँ बच्चे नहीं लगते। बचपन में भी बच्चे जहाँ बच्चे नहीं लगते। शीशे खोबे रहे मन हमें अच्छे नहीं लगते। शेर में निदा साहब के तेवर देखिए। ये लड़ते झगड़ते हुए लोगों की है दुनिया, ये लड़ते झगड़ते हुए लोगों की है दुनिया। सगा मदनी दानी दम रे मानी दम, सगा मद गम दनी दम गम दनी दस नी सधनी दम गम रे सनी रे सा गम द गम। ये लड़ते लड़ने की बात थी इसलिए सुरों से थोड़ा लड़ रहा था मैं। ये लड़ते झगड़ते हुए लोगों की है दुनिया, ये लड़ते झगड़ते हुए लोगों की है दुनिया। हाथों में कटोरे हमें, हाथों में कटोरे हमें। ये बात हाथों में कटोरे हमें अच्छे नहीं लगते। हाथों में कटोरे हमें, हाथों में कटोरे हमें अच्छे नहीं लगते। ये शेख बेरहमन हमें अच्छे नहीं लगते। दो गज़लें आपने जसविंदर से सुनी और दोनों एक से एक, और हमेशा कुलदीप सिंह की ये संगीत रचना कंपोजिशन थी। आइए स्वागत है मालती जी। मैं सोच रहा हूँ आपको बुलाया जाए, तो मैं
मालती जोशी फाजली को आवाज़ दे रहा हूँ कि आप पधारें। मालती जी बहुत अच्छी सिंगर हैं, चार एल्बम आपके निकल चुके हैं और साथ ही आप रंगमंच की बहुत अच्छी अभिनेत्री रही हैं, फिल्मों में भी काम किया है और आज जो काम किया है रोशनी के फूल का संकलन संपादन वो भी अपने आप में बेमिसाल है। मालती जी आप पधारें। आलीशान बच्चा बोला देखकर
वाहिद आलीशान अल्लाह तेरे एक को अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान बच्चा बोला देख कर चढ़े घी पूरी मिष्ठान अंदर मूरत पर चढ़े बिंदी मिट्टी दान मंदिर के बाहर खड़ा मंदिर के बाहर खड़ा ईश्वर मांगे दान अंदर मूरत पर चढ़े घी पूरी मिष्ठान चढ़े एक सी अलग अलग हररी सबकी पूजा एक सी अलग अलग हररी मस्जिद जाए मौलवी मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाएगी सबकी पूजा एक सी अलग अलग हररी सरहदे धोखा हर तकसी झूठी सारी सरहदे धोखा हर तकसी दिल्ली से लाहौर तक
जब आई थी 14 की, तब उन्होंने ये बाद में कहा था शेर, ये दोहा सॉरी। गंगा जी के घाट से करे जुलाहाबाद, गंगा जी के घाट से करे जुलाहाबाद, वादा करके सो गए, वादा करके सो गए, क्यों अच्छे दिन रात। जी फादर के ऊपर कहा है उन्होंने दुआ, किसी में उसकी आंख है किसी में उसके हाथ, किसी में उसकी आंख है किसी में उसके हाथ, घर से होकर दूर भी, घर से होकर दूर भी सबके साथ, किसी में उसकी आंख है किसी में उसके हाथ, किसी में उसके आंख है। निदा साहब के आप दोहे सुन रहे थे और निदा साहब कई बार ये कह चुके थे कि वो संत कबीर से और मीराबाई से दोनों से बहुत प्रभावित हैं, दोनों को बहुत पसंद करते हैं। और ये आपने जो बनारस का जुलाहा देखा ना, वो कबीर की बनारस आपके सामने लेकर के आए। आलहत कशीकर जी कहाँ पे हैं, आ जाइए आप। आलहत जी बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। एज ए सिंगर निदा साहब से और उनकी शायरी से बहुत मोहब्बत करते हैं कि एक आपका एल्बम आया निदा साहब की रचनाओं पर, उसका नाम है निदा बिटवीन द लाइंस। ये एल्बम टाइम्स म्यूज़िक ने रिलीज़ किया। और एज ये राइटर निदा साहब बीबीसी हिंदी के लिए कॉलम लिखते थे, और जो बीबीसी के लिए लिखते थे उसका बहुत अच्छा मराठी में आपने ट्रांसलेशन भी किया। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, कोई साई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, thank you।
की बाजत गाए। इतनी खुखार न थी पहले इबादत गाए, इतनी खुखार न थी पहले इबादत गाए। ये अकीदी है या इंसान तन्हाई है, ये अकीदी या इंसान की तन्हाई है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई से भी ज्यादा जो आबादी है उसकी बात वो कर रहे हैं, हमेशा वही करते थे। तीन चौथाई से ज्यादा है जो आबादी, उसके ही वास्ते सब भूख है महंगाई है, उसके ही वास्ते सब भूख है महंगाई है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान ना बनने की कसम खाई है। कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई आखिरी 5 मिनट घनश्याम जी एक गज़ल गाएंगे और शिवानी एक गज़ल गाएगी। अब आइए आइए घनश्याम जी से कि बहुत अच्छे कंपोज़र बहुत अच्छे सिंगर और जो है गज़ल गायकी में देश विदेश में बहुत नाम कमाया और जो है डिवोशनल म्यूज़िक यानी भक्ति संगीत में भी बहुत अच्छा नाम है घनश्याम जी का। और आप सब जानते हैं कि जगजीत सिंह को इतना प्रिय हैं रहे हैं घनश्याम जी कि इनका जो पहला एल्बम निकला उस पर जो है टाइटल था कि जगजीत सिंह प्रेजेंट्स घनश्याम वासवानी। तो आप तालियों से स्वागत करें। हाँ
उसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा अच्छा होगा उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा हो वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा नहर से टकराई वो बंजर निकली प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली जो मिला है न मिलेगा वही दरिया हो उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा वो भी मेरी ही तरह शहर में
फासले गजल शेर मेरे बारे में मेरे बारे में मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी मेरे बारे में 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 मेरे बारे मेरे बारे मेरे बारे मेरे बारे में मेरे बारे मेरे बारे में मेरे बारे में मेरे बारे मेरे बारे में मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी उसने मुझको भी कभी तोड़ के देखा हो उसने मुझको वक्त कम है आखिरी शेर है जो रिकॉर्ड में नहीं है एक महफिल में एक महफिल में कई महफिलें होती है शरीक एक महफिल में एक महफिल में कई महफिलें होती है शरीक जिसको भी पास से देखोगे जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा वो भी मेरी तरह शहर होगा उसके दुश्मन हैं बहुत आदमी अच्छा होगा आदमी अच्छा होगा आदमी अच्छा शिवानी वासवानी आज के इस कार्यक्रम की आखिरी सिंगर हैं इनके साथ ही यह कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त होगा आइए शिवानी वासवानी को सुने La 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 la
बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। सुनते मेरा अटक गया सुर।
बार सब मिलके थोड़ा जोर से, बेखुदी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू।